टॉपिक है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इस बुक दे विच आपां तीनों कॉलम्स लवांगे, कैश दा, बैंक दा और डिस्काउंट। हुण आपां ने तीनों कॉलम्स दे नाल सम नू सोल्व करना है। स्टूडेंट्स देखो, अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 17th है, मैं 17th सम सोल्व करने जा रही हूँ। क्वेश्चन रीड कर दें पहले। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 400, कैश इन हैंड है मीन्स टू बैलेंस ब्रोडन 400 रुपीज, और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट है मीन्स क्रेडिट बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रोडन, बैंक कॉलम दे विच लिखांगे इत्थे बाय बैलेंस ब्रोडन। देखो स्टूडेंट्स, आप नाल नाल ही कर दे हां। चलो पहले एक बार क्वेश्चन देख लिया, फिर आप करांगे। सितंबर 4 दी एंट्री है, इंट्रोडक्शन कैश इंट्रोड्यूस कैश 10,000 एज फर्दर कैपिटल ऑफ विच 5,000 डिपोजिटेड इनटू बैंक। कैश इंट्रोड्यूस किया मीन्स कैश टू कैपिटल, ठीक है। 5,000 10,000 के 5,000 जो वो बैंक दे विच डिपोजिट कराता, कि कह रहे हैं कि 10,000 की टोटल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, उस 5,000 बैंक दे विचों ही डिपोजिट कराता। सो 5,000 आप कैश दे विच रिकॉर्ड करांगे और 5,000 बैंक दे विच रिकॉर्ड करांगे। टू कैपिटल 5,000 कैश कॉलम दे विच और 5,000 बैंक कॉलम दे विच। क्लियर। सितंबर 5 दी एंट्री है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इट इज़ एन सिंपल और ईजी एंट्री है। सितंबर 6 दी एंट्री देखो, कलेक्शन फ्रॉम एक्स 8,000 वाई चेक एंड अलाउड डिस्काउंट 2,000। एक्स तो आपां नूं चेक रिसीव होया, ठीक है, 8,000 का चेक रिसीव होया और अलाउ किते डिस्काउंट 200 दा। सो आपां डिस्काउंट अलाउ करांगे 200 दे नाल, बाकी आपां जिन्ना 8,000 का चेक है वो बैंक कॉलम दे विच रिकॉर्ड करांगे 200 डिस्काउंट अलाउड दे विच। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सितंबर 10 दी, परचेज गुड्स फॉर कैश 2,000 एंड बाय चेक 3,000। परचेज कितनी है कैश कॉलम दे विच, बाय परचेजेस कैश कॉलम दे विच 2,000 और बाय बैंक कॉलम दे विच 3,000। पेड 2,500 बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव 1,000। चेक किन्ने दा पे किया 2,500 दा, ठीक है। 2,500 दे नाल आपां कैश पेमेंट की है, पेमेंट कर रहे हैं उस टाइम अपन डिस्काउंट रिसीव हो गया 100 दा, फिर 100 किसे विच पा देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड दे विच, मीन्स क्रेडिट साइड आपा डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड कर देने। सो एंट्री की इधर साइड पे की क्रेडिट साइड, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 100 पीस डिस्काउंट रिसीव दे विच और 2,500 बैंक कॉलम दे विच। पेड कमीशन टू एन एजेंट, एजेंट नू कमीशन पे किया 500 दा बाय कमीशन। सितंबर 15 दी एंट्री है, परचेज ऑफिस फर्नीचर बाय कैश, ऑफिस फर्नीचर परचेज किया आप एंट्री की पावांगे बाय फर्नीचर 2,000 दे नाल, कैश दे विच है कैश कॉलम दे विच आएगा। रेंट पेड 100 रुपीस, ये भी कैश दे विच ही है, कैश दे विच ही होंगे, कुछ नहीं मैंशन किया इसलिए आप कैश दे विच मान के चलांगे। ड्रॉ आ चेक फॉर परसनल यूज, आप परसनल यूज लई एक चेक ड्रॉ करा लिया, सो एक ही होगी ड्राइंग होगी 1,000 दी, चेक है इसलिए बैंक कॉलम दे विच आएगी। कैश सेल्स टू सेल्स 5,000 दी, ठीक है, कैश कॉलम दे विच 5,000 रिकॉर्ड करांगे। कलेक्टेड फ्रॉम बाई 4,000 इन कैश एंड डिपोजिटेड इन टू बैंक इन द नेक्स्ट डे। पहला अपन कैश रिसीव होया, ठीक है, सो 4,000 का कैश रिसीव होया बाई तो एंट्री पैजू टू बाई 4,000। आफ्टर दैट बैंक दे विच डिपोजिट होया, ठीक है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे मीनस 21 नू ट्रांजैक्शन पावांगे डिपॉजिट दी, जो कि काउंटर एंट्री होएगी बाय बैंक 4,000 कैश कॉलम दे विच, टू कैश 4,000 बैंक कॉलम दे विच, ठीक है। हुण इसका ट्रीटमेंट तीन जगह हो जू, पहला तो कलैक्टर की एंट्री पू, फिर डिपोजिटर दी, डिपोजिटर दी दोनों पास रिकॉर्ड कर दें, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। जो आप एक डिपोजिटेड वाली एंट्री आप लास्ट क्वेश्चन के विच भी डिस्कस करके आए हैं स्टूडेंट्स,
उस तो बाद है डिविडेंड रिसीव होए चैक के थ्रू 100 पीसा एंड डिपोजिट इन टू बैंक, ये भी डिपोजिट कराती। पहले आप डिविडेंड रिसीव की पावगी 100 पीस की एंट्री, डिविडेंड रिसीव होए बाय चैक रुपीज 100 का एंड डिपोजिट इन टू बैंक। अपनी ट्रांजैक्शन पेगी बैंक अकाउंट टू डिविडेंड, सो टू डिविडेंड आप डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर लेंगे। सितंबर 28 की एंट्री है पेड ऑफिस सैलरी बाय चैक, ऑफिस सैलरी पे की है बाय ऑफिस सैलरीज अकाउंट अकाउंट लिखा क्रैडिट साइड के उ 2000 बैंक कोलम के, ठीक है। सितंबर 29 की डिपोजिटेड इन टू बैंक कैश रिटेनिंग 1800 कैश का बैलेंस रखना है, बाकी जो भी अमाउंट आऊगी बैलेंस की वो सारी आप डिपोजिट करा देनी है बैंक के। इट मीनस काउंटर एंट्री पेगी लास्ट से फिर जो अमाउंट बैलेंस करने तो बाद आएगी, ठीक है। उस दे विचों अपने 1800 माइनस करने हैं, जो भी रहेगी अमाउंट उस आप काउंटर एंट्री पा देंगे। सो स्टार्ट कर दें, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। फर्स्ट एंट्री है दिस सितंबर 1 की, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड रुपीज 400 टू बैलेंस ब्रो डाउन 400, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट है मीन्स क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस है। सो सितंबर 1 दी एंट्री बाय बैलेंस ब्रो डाउन बैंक दे विच कितना आएगा 5000। ये अपनी डेबिट साइड है, दिस इज दी क्रेडिट साइड। नेक्स्ट एंट्री है सितंबर 4 दी, इंट्रोड्यूस कैश 10,000 एज फर्दर कैपिटल फॉर विच 5,000 डिपोजिटेड इन टू बैंक टू कैपिटल। सितंबर 4 दी एंट्री है टू कैपिटल 5,000 कैश लगाया 5,000 बैंक के विच पे की है, ठीक है। इसलिए बैंक कॉलम के 5,000 आ जाओ बैंक और कैश कॉलम के 5,000 आ जाओ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 3,000 टू सेल्स सितंबर 5 टू सेल्स कैश दी है 3,000 दी, ठीक है। उस तो बाद ट्रांजेक्शन है कलेक्टेड फ्रॉम एक्स 8,000 बाय चेक एंड अलाउड डिस्काउंट 200 रुपीज, कलेक्ट किए 8,000 बाय चेक किस तो एक्स तो सितंबर 6 दी एंट्री है टू एक्स अकाउंट 8,000 बिकॉज अपने चैक मिले अपन, ठीक है। इसलिए अपना बैंक कोलम के पाता और डिस्काउंट है वो आप अलाउ करता, सो ये अपना एक्सपेंस है, इसलिए इसको डेबिट साइड की डिस्काउंट के रिकॉर्ड किया है। डेबिट साइड का डिस्काउंट की होंगे डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश 2,000 एंड बाय चेक 3,000 परचेजेस की हैं सितंबर 10 बाय परचेजेस अकाउंट 2,000 कैश दे विच और 3,000 बाय चेक बिकॉज चेक नाल पेमेंट की है 3,000 दी, चेक मतलब बैंक, ठीक है। चेक बैंक दे विच ही लगेगा ना, सो बैंक दे विच होगी पेमेंट 3,000 दी और कैश पे किया 2,000 का। देखो स्टूडेंट्स 3,000 बैंक कॉलम के 2,000 कैश कॉलम के आ गए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ सितंबर 11 पेड 2,500 बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 100 पीस था पेड रुपीज 2,500 पे किए हैं बाय चेक डिस्काउंट रिसीव होए 100 रुपीज़ आ। सो सितंबर 11 की एंट्री है आप क्रेडिटर नू पे किए हैं 2,500 बाय चेक, ओके, और डिस्काउंट रिसीव हो गया 100 रुपीज़ का डिस्काउंट रिसीव है। सो क्रेडिट साइड से डिस्काउंट रिसीव अपनी इनकम होंगी है। नेक्स्ट एंट्री है सितंबर 12 दी कमीशन पे किया टू एन एजेंट बाय कमीशन
सितंबर 12 500 rupees इन कैश कॉलम। परचेजेस ऑफिस फर्नीचर सितंबर 12 15 दा बाय फर्नीचर कैश कॉलम दे विच 2000। रेंट पेड कीता है बाय रेंट सितंबर 16 बाय रेंट 1000 rupees सॉरी 100 rupees। ड्रा चेक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज ली अमाउंट विड्रो की है सितंबर 17 बाय ड्रॉइंग 1000 rupees कितने आएगा बैंक कॉलम के। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कैश सेल्स, टू सेल्स 5000 कैश कॉलम के। कलैक्टेड फ्रॉम बाय 4000 इन कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक इन द नेक्स्ट डे। पहला कलैक्ट किया सो कलैक्ट की एंट्री पावे सितंबर 20 कलैक्टेड फ्रॉम बाय टू बाईस अकाउंट 4000 कैश के आया 4000 रिकॉर्ड करता आप कैश कॉलम के। नेक्स्ट डे मतलब 21 नू डिपोजिट कराया सो सितंबर 21 की ट्रांजैक्शन की बनूगी बाय बैंक। डिपोजिट की एंट्री की होंगी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, सो दोनों जगह रिकॉर्ड होगी। ठीक है बाय बैंक पावे पहला आप बाय बैंक कॉन्ट्रा एंट्री है कैश कॉलम के कि आ जाएगा 4000 rupees। आफ्टर दैट सितंबर 21 टू कैश कॉन्ट्रा बैंक कॉलम के कि आ जाएगा 4000। ठीक है इतने स्टूडेंट्स ये ट्रांजैक्शन ध्यान समझने अपने। ठीक है ये इंपोर्टेंट है इसका ट्रीटमेंट तुसी दूरीवार वीडियो नू दूरीवार देखो इस एंट्री का ट्रीटमेंट समझने के लिए। सितंबर 23 नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सितंबर 23 डिविडेंड रिसीव होया बाय चेक 100 डिपोजिटेड इनटू बैंक। बैंक बाय चेक का अपन डिविडेंड रिसीव होया। ठीक है सो अपनी एंट्री की बनेगी टू डिविडेंड सितंबर 23 टू डिविडेंड आप कैश बुक दे विच रिकॉर्ड करांगे बिकॉज ये बैंक दे विच ही है अपन डिपोजिट कराने की कोई जरूरत नहीं हैगी बैंक दे विच ही आया है थ्रू चैक है सो 100 का अपन चैक रिसीव होया बैंक दे विच आपां 100 rupees रिकॉर्ड कर देंगे। 28 सितंबर 28 नू ऑफिस सैलरी पे की है बाय चैक बाय सैलरीज आएगा सितंबर 28 बाय सैलरीज किनिया 2000 दियाँ बैंक कॉलम के 2000 रिकॉर्ड करांगे। लास्ट इज 29 डिपोजिटेड इन बैंक कैश रिटेनिंग 800 ये एंट्री है 1800 आप कैश बैलेंस रखना है बाकी डिपोजिट कराना है बैंक के। सो स्टूडेंट्स इस ट्रांजैक्शन करने के लिए अपन सब तो पहला कैश का आप बैलेंस निकालेंगे सो डेबिट साइड पहला टोटल करो आफ्टर दैट डेबिट साइड के सारी अमाउंट निकालो। पहले स्टूडेंट्स कैश कॉलम का डेबिट साइड देखो 400 प्लस 5000 प्लस 3000 प्लस 5000 प्लस 4000 लेस क्रेडिट साइड वाली लेस करो कैश कॉलम माइनस 20000 माइनस सॉरी दुरिया कर दें कुछ गड़बड़ होगी 400 डेबिट साइड का टोटल इन्ना आ गया। उस तो बाद 2000 माइनस करना है 500 माइनस करना है फिर 2000 माइनस 100 माइनस 4000 8800 rupees अपने बैलेंस आ गई। सितंबर 30 नू बैलेंस कितना गया 8800 बट स्टूडेंट्स आप 8800 बैलेंस नहीं रखने अपनी कैश दे विच आपां नू लास्ट दे विच ट्रांजैक्शन दी कि आप किन्ने रिटेन करने ओनली 1800 8800 दे विचो 1800 ही आपां बैलेंस कैरी डाउन पाने हैं जो बाकी रुपए रह गए 8800 दे विचो 1800 लेस करके अपने को जो भी अमाउंट रहेगी वह सितंबर 29 नू आपां डिपोजिट करानी है। सो डिपोजिट दी कॉन्ट्रा एंट्री बनती है बाय बैंक कैश कॉलम दे विच किन्ने रुपए आएंगे 7000 8800 माइनस 1800
सितंबर 29 दी टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री बैंक कॉलम दे विच 7000। ठीक है, नाउ बैंक कॉलम द बैलेंस निकालो। बैंक कॉलम द बैलेंस निकाल के अपने को स्टूडेंट्स अमाउंट आ जाएगी 10,600। ठीक है, आफ्टर दैट टोटल करना है। डिस्काउंट का आप कोई बैलेंस नहीं निकालते, इसमें जस्ट टोटल कर देंगे। ये अपना ट्रिपल कॉलम कैश बुक का सम